तो चलिए हम फिर इनसे जानना चाहेंगे कि कैसी जर्नी रही और लोगों में जो है इस समय इनकी लोकप्रियता काफ़ी ज़्यादा बढ़ी है, तो इस बात को लेकर के कितना ज़्यादा जो है प्राउड फील होता है कि लोगों में जो क्या प्राउड तो बहुत ही अच्छा लगता है, मतलब अच्छा फील होता है क्योंकि गला मेरा एकदम जाम हो गया। जैसा कि अभी कोल्ड ड्रिंक पी करके आई, इनका गला जाम है, तो हम जानना चाहेंगे जो है इनसे, हमारे साथ जो है आदर जी हैं, तो आदर जी से सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे, आदर जी जो है सबसे पहले इनकी इनसे मुलाकात हुई तो कैसे आपको ये लगा कि चलो हम इनका इनके पति का रोल करते हैं, जबकि जीवन में ऐसा कुछ है या फिर नहीं इसके विषय में थोड़ा? नहीं, इनके साथ एक दादाजी हैं जो कि काम करते थे, तो लोगों को लगता था कि वो ये उनकी पत्नी है, तो ऐसा ना ही रहा कुछ, कहीं कि उनका एजो बहुत ज़्यादा रही थे, नहुक अच्छा नहीं लगता रहा था। जब हम 50,000 सब्सक्राइबर मिले तो एक और पत्रकार जी थे, तो उनसे मतलब कांटेक्ट था इसका, तो हमसे बात उतनी नहीं होती थी, तब ये खुद बोली उनसे कि आदर्श को बोलो मेरे साथ वीडियो बनाने के लिए, तब वो हमें फ़ोन कर कहता था कि तू कहता था हम रोली कही तो संगे वीडियो बनाता। हाँ, मैं आदर्श को मतलब मैं उनसे बोली थी कि आदर्श को एक बार पूछो मेरे साथ कॉमेडी बनाएगा क्या, बिकॉज ही इज़ परफेक्ट फॉर मी। तो मैंने सोचा कि आगे चल के देखते हैं, उनको बोला तो वो जाके बोले इससे कि तू कहा था हम करवाई दे, ये नहीं बोले कि रोली ऑलरेडी बोली है, तो फिर वो बोले, ये बोला हाँ क्यों नहीं, ये तो ऑलरेडी एक्साइटेड ही था, तब जाके ये आया मैं की, और अच्छा एक्सपीरियंस रहा, फर्स्ट टाइम जब शूट किए मुझे लगा हाँ कि ये ठीक है, अब इसके साथ बनाएंगे आगे चल के, और इसका साथ जब से मिला अच्छा खासा यूट्यूब चैनल पर हम लोग वीडियो अच्छा बनाने लगे, रीच भी अच्छा मिलने लगा, तो अभी सब अच्छा खासा चल रहा है। जैसा कि मैं भी गांव से हूँ, मैं भी सोचता हूँ कि कभी कभी अवधि बोलूँ, लेकिन वह बोलने में थोड़ी बहुत परेशानी होती है, तो क्या आप लोगों को लगता है कि अवधि बोलने में क्या आप लोगों को भी कभी परेशानी का सामना? नहीं, मुझे तो कभी नहीं, क्योंकि जहाँ से पैदा हुई वहाँ अवधि से ही सब स्टार्ट है, दादी मम्मी भाई सब लोग अवधि में ही बात करते, तो वही बचपन से ही मैं वही अवधि में ही रही हूँ, तो कोई दिक्कत ही नहीं होता अवधि में बात करने में। हम लोग वीडियोस भी बनाते हैं, हम लोग की कोई स्क्रिप्टिंग नहीं होती, हम डायरेक्ट ऐसे ही शूट करते हैं बिना स्क्रिप्ट के वीडियो बना रहे हैं। ये कितना ज़्यादा कठिन है भाई? नहीं, कुछ वीडियो के लिए तो बहुत इजी है, क्योंकि हम जैसे ही बैठेंगे ना सब एकदम ग्रुप बना लेंगे और सोचेंगे टॉपिक, मैं बताऊंगी, फिर आदर्श बताएगा, फिर हमारे टीम के और भी लोग ये डालो, मेरा भाई भी है ये डालो, फिर हम सब मिल के ऐसे ही सोच के डायरेक्ट शूट करते हैं। चलिए, ये वीडियो रहती है जैसे कोई ऐसी वीडियो नहीं रहती कि किसी का कॉपी करें, कुछ वीडियोज हैं जैसे अगर उनसे रिलेटेड है ना तो कॉपीराइट मार देते हैं। कुछ महीने पहले एक जन थे तो वो माठा मारने का कुछ वीडियो बनाए थे, तो ये देखी नहीं थी वीडियो, ये कुछ अपना अलग की थी, उनके में कुछ दूसरा था, लेकिन खाली एक ही कंटेंट मैच खाया था कि माठा उसमें भी मार रहे थे, माठा इसमें भी। हाँ, तो कॉपीराइट मार दी, मतलब नहीं था, बस कॉपीराइट का क्लेम किया गया था। अच्छा, ये जैसे कहते हैं कि उसमें जो है आपकी वीडियो में मैंने देखा जहाँ तक उसमें सडवाइन का मैटर है, तो सडवाइन का मैटर ये कहाँ तक जो है फॉलो होता है उसके विषय में थोड़ा बोलते? नहीं, सडवाइन का मैटर ये है कि जैसे अब ये मेरी पत्नी का रोल करती है, तो हम लोग पति पत्नी है, तो इनकी तो कोई सिस्टर है नहीं, तो हम लोग शूट करने जाते हैं सब्सक्राइबर के यहाँ, तो जीजा साली वाला बहुत चलत है, जैसे कई देव। अच्छा अच्छा, कितनी ज़्यादा ठहरकी वाला ये ठहरकपन वाला जो है, तो ये रियल लाइफ में कितना सही है उसके विषय में? रियल लाइफ में तनिको सही ना आई, कहीं के वो सब मतलब जहाँ हम सब जाए थे ऐसा कुछ रिलेशन नहीं आए बाटे कि सड़ुआइन हो या फिर ठरकी टाइप। आदर्श का ऐसा नेचर भी नहीं है कि ऐसा करे, वो जैसे वीडियोस में दिखता है वैसा बिल्कुल नहीं है, बहुत सही है ये, और मुझे नहीं लगता अगर रियल में भी सड़ुआइन होती तो ऐसा ये रहता, वो तो बस कॉमेडी के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए, क्योंकि गांव में अक्सर ऐसा होता है ना जीजा साली के बीच में, एक होता है कि वाइफ से लोग एकदम परेशान टायर्ड हो जाते हैं कि झेलते झेलते, सड़ुआइन से थोड़ा मैटर रहता है, सड़ुआइन ठीक है, वो अच्छी थी, क्योंकि अब उसके साथ भी अगर ज़्यादा टाइम बिताओगे तो वो भी अच्छी नहीं लगेगी, ये रियल। अच्छा, क्या है कि फिल्मों में जो है लोग रोल देख करके ये तय कर देते हैं कि हाँ यह व्यक्ति गुंडा है तो गुंडा ही दिखाई देता है, तो उसमें जो है आपके ठरकपन वाला दिखाया गया, तो कहीं रियल में ऐसा तो नहीं है कि कोई फेस करके आपको बोला हो कि नहीं आप इसी तरीके के? नहीं नहीं, ऐसा नहीं, अच्छा बोलते हैं मतलब सामने से मिलते हैं बोलते हैं यार वीडियो में आपकी पर्सनालिटी अच्छी दिखती है, आप एक्टिंग भी अच्छा करते हैं, ऐसे भी आप ठीक है, तो जहाँ तक ये बोली कि स्क्रिप्टिंग हम लोग जो करते हैं वो बस ऐसे बैठ के कर लेते हैं वो तो ठीक है, लेकिन कुछ स्क्रिप्टिंग ऐसी रहती है जैसे दिवाली आ रही है, होली आ रही है, तो वो थोड़ा सा बैठ के सोचना पड़ता है कि क्या करें, कैसा होता है समाज में, कौन अच्छा रहे। हम सब खिचड़ी पे वीडियो बने दे रहे पंडित जी के लेके कि दक्षिणा ना दे, उन्हें भगाए दे, तो बहुत सब रूमर उठाए कि तू सब ऐसे करता है, पंडित का अपमान करता है। सेकंड वीडियो माफ़ी नामक वीडियो के हिसाब से हम सब बनाए, पंडित बुलाए मस्त घिस के एकदम गोड़ और धोए, सब खुश हो, तब सब कहें कि भैया यार कैसे मजाक किया जा रहा, बाकी तू सब वीडियो तो अच्छा बनाए रहे। हम लोग ये मजाक सीमा एकदम होती है, मजाक एक लेवल होता है, तो कमेंट में जो है लोग गलत कमेंट करते हैं, उसका इफेक्ट क्या पड़ता है? हम
इफेक्ट क्या पड़ता है, थोड़ा सा बुरा लगता है, फिर सोचते हैं यार हम लोग कुछ अच्छा करते हैं, लोगों को पसंद नहीं आता, हम लोग सोचते हैं कि कुछ अच्छा दें। देखिए हमारी जो वीडियो रहती है 2, 4, 6, 8 वीडियो ऐसी मिलेंगी जिसमें खाली हम लोग कॉमेडी करते हैं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो ऐसी बनाते हैं जिससे कुछ मोटिवेशनल आपको मिल सके और वो चीज़ समाज में चलता रहता है, इसलिए हमारे वीडियो सब देखते हैं कि वही चीज़ होता रहता है। बैड कमेंट्स हम लोग को ज़्यादा नहीं आते, 1, 2, 4 आ जाते हैं, वो तो किसी को भी ऐसा नहीं है, लोग बहुत पसंद करेंगे। जैसे कितना भी अच्छा इंसान हो, कुछ लोग हैं जो निगेटिव कमेंट्स उनको करते ही रहते हैं, तो 2-4 से कोई फर्क नहीं पड़ता। और हमारे सब्सक्राइबर बहुत अच्छे हैं, हमें इतना प्यार करते हैं कि अगर कोई बैड कमेंट कर रहा है ना तो उसके कमेंट में घुस के जाके उसको ही उल्टा जवाब देते हैं, हमें रिप्लाई देना ही नहीं पड़ता, हमारे सब्सक्राइबर आपस में ही भिड़ जाते हैं, लड़ जाते हैं। अच्छा, जहाँ तक देखा जाए कि सबकी अपनी अपनी बचपन की एक ऐसी कहानी होती है जिसे लेकर के वो ज़्यादा उत्साहित रहते हैं, यार बचपन में मेरे साथ ऐसा हुआ था, बचपन में मेरे साथ ऐसा हुआ, तो कुछ बचपन की आप अपनी कहानी को शेयर करना चाहते हैं हमारे चैनल के माध्यम से? तो बचपन की कहानी याद है, अब ऐसा कुछ तो याद ही नहीं है, मस्ती खेला वेला बहुत होता था, बंक मैं 5वीं 8वीं में रहती थी, मतलब स्कूल में जब रहती थी बहुत बंक मारते थे हम लोग, जाके नहर में बालू वगैरह रहता था ना उस पर कूदते थे, वो दलदल हो जाता था, फिर टीचर देख लेते थे कभी अचानक, तो इतना डरते थे कि अरे अब घर पे जाके कंप्लेन करेंगे। तो बचपन में बहुत, बाकी मैं जब 8 में गई तब से मैं पढ़ाई में थोड़ा फोकस करने लगी अच्छे से एकदम ग्रेजुएशन तक और अब तक। जैसा कि मैं आदर्श से जानना चाहता हूँ कि सबकी जो है अपनी अपनी कोई क्रश होती है, तो क्या आपका भी कोई ऐसी क्रश है या फिर रही हो, उसके विषय में थोड़ा बहुत? दरअसल हमारे केव रहा ना है शुरू से, अब ना हम केहू कलाई नहीं आए, और अब हम क्रश ऐसे बता इन पाइप की हो कि ना है। नहीं मतलब जब क्रश का टाइम आया तो हम आ गए, क्रश कहाँ से क्रश होगा, हम इसको नहीं क्रश कर देंगे, यही क्रश हो गई है। अच्छा मतलब रोल करते करते कुछ ऐसा प्रभाव देता है, अब ये बोल रही है मुझे ही क्रश कर देती है तो मैं इसी को क्रश कर देता हूँ। एक एज होता है ना, अभी इसका एज मतलब अभी तो 20 ईयर लगा पढ़ाई कर रहा है डिफार्मा वगैरह, तो वो कम्प्लीट हुआ, अब जाके टाइम आ रहा है कि हाँ क्रश देखा जाए, वो तो अब जैसे अब काम करने लगे हैं तो इस पे ध्यान हो गया, अब कहाँ जाएगा क्रश देखने। लेकिन स्टार्टिंग से ही मेरा ऐसा कुछ नहीं रहा, चाहे तो इतने लोग देख रहे हैं इसी में जे हो भाई कमेंट का ही देख हम रहे तू झूठ बोला है, ऐसा कुछ रहा भाई नहीं किया। तो जैसे किस ये चीज़ें देखने को मिलता है कि अगर आप जो है इंटर तक पढ़े हैं, इंटर के बाद जो है जो भी आप ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं, तो उस दौरान जो है कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जिसे आप पसंद करते हैं उसे बोल नहीं पाते हैं, तो क्या कोई ऐसा व्यक्ति था जिसे आप पसंद करते थे और अभी तक बोल? तो इसके विषय में यही बोलना चाहूँगा, जैसे हम लोग डीफॉर्म जब कर रहे थे इंटर में जब थे, देखिए तो भाई बगल में बैठी हैं, नहीं नहीं हम पूरा खुल के बता रहे हैं सब देखें, आप बोलेगा इंडिया एकदम सुनज खाली। देखा हम सब जब तक इंटर में रहे बैक बेंचर रहे, ओकर 10th में रहे ना तो अच्छे से आगे बैठी, फिर डिफार्मा के फिर आगे बैठी, फिर लेकिन कुछ दिन ऐसा आए कि हम सब बैक बेंचर एक नाते हो गए, जोन हमारे से एक लड़का रहन, अब डिफॉर्म वाले सब देखा तो ही देखा बाद में कमेंट करें वो सब कहा रहन तनी फलाने पानी ले आओ, हाँ जा रहा हूँ ना दो ना बॉटल लेके आता हूँ, हम लोग खाली देख के मजा लेते थे, अरे फला और नाम रखे थे, अरे फलानवा ढेकनवा मतलब उसके नाम से ये सेट करते हैं कि वो उनकी वाली है वो इनकी वाली, हाँ उनकी वाली इनकी वाली प्लस उसका कुछ अलग नाम, वो बुलडेजर जाता है इन हो मतलब ये सब मजे हम लोग खूब लिए, लेकिन किसी को एक मतलब टारगेट नहीं बनाया, अरे यार वो बोला तो ठीक बा ऐसा कुछ कम फील ही ना आए। अच्छा मतलब फीलिंग है ऐसी कुछ नहीं है, तो क्या रोली जी को देख करके कभी आपको ऐसा फील होता है? अब रोली जी का मार दे न दी गाड़ू कहीं के फाड़ी जावे फील कहीं का करे मतलब इससे डर से नहीं आता है? नहीं डर से नहीं आता, आएगा अभी तो कैसे खुलेंगे ये दबाए दे पहले चुप। तो मतलब वीडियो में जो है इतना देखने को मिलता है क्रिएटिविटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है हम लोगों को, तो इसके विषय में जो है लगभग अगर आपसे बात किया जाए तो जहाँ तक अगर हम मेरी राय है कि अगर इन फ्यूचर आपको जो है कैसी वाइफ चाहिए उसके विषय में थोड़ी बहुत बताइए, क्योंकि जो है जो वीडियो में देखने को मिलता है उसके विषय में। देखा हमें वाइफ हुए चाहे जे खाली आवे आराम सोई रहे मोबाइल वोबाइल चलावे खाना उना हम बने बर्तन हम धोए कुल हम करे खाली कुल लड़की कहीं भाई हमसे ब्याह कर ले ना, हमारे व्यूअर्स को बता रहे हैं खुला प्रपोजल दे रहे हैं। नहीं प्रपोजल ना दे थे दुकान ना खोले लिया एक किलो तुम्हें चीनी दे दे एक किलो तुम्हें तेल दे दे ऐसा बात ना बाटे, नहीं ठीक है अब उसके लिए सोचा जाएगा अभी उसके लिए समय है। तो हम रोली जी से जानना चाहेंगे कि आखिरकार इनको जो है किस तरीके का हस्बैंड चाहिए उसके विषय में थोड़ा बहुत हम लोगों से। मुझे ऐसा हस्बैंड चाहिए कि मेरा कारोबार सब संभाल ले वो आने वाले टाइम में, क्योंकि मैं औरत हूँ, मुझे फैमिली सास ससुर जो भी जितने फैमिली होंगे सबको मैनेज करना होगा हैंडल करना होगा, तो मैं जिस फील्ड में हूँ उसी फील्ड से रिलेटेड अगर हो तो ज़्यादा समझेगा मुझे, अदरवाइज़ कोई और रहेगा तो वो इस चीज़ को नहीं समझेगा कि यूट्यूबर क्या है कुछ नहीं वीडियो वही तो बनवा थी नहीं। कुछ लोग ना इस चीज़ को निगेटिव में भी लेते हैं कि वीडियो बनवाई वाली तो हैं, बहुत गंदा गंदा बोल लेते हैं, अजीब ही अजीब सोच लेते हैं, तो जो इस फील्ड में रहेगा वही इस चीज़ को समझेगा कि यही चीज़ तुम करके दिखा दो तब जाने
इतना यही चीज़ तो सब कर करके मैं जो बोलता है कि वीडियो ही बनवाने वाली है नहीं तो हूँ बने कि इतना सब्सक्राइबर करके दिखावा था हम जानी, तो मुझे ऐसा ही चाहिए कि नॉर्मल हो, दिल से अच्छा हो, अंदर से अच्छा हो, समझे, बाकी शक्ल सूरत मुझे मैटर नहीं करता कैसा है आदमी। तो जहाँ तक देखा जाता है आपके फैट को लेकर के काफ़ी ज़्यादा कमेंट करते हैं जो है ये, तो उसके विषय में क्या कहेंगे आप, उस पर कुछ काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? हाँ मैं कर रही हूँ, मैं कंट्रोल करती हूँ कि मैं मतलब फैट वाली चीज़ें कम खाऊँ, बट जो मेरे पसंदीदा चीज़ें हैं ना सब फैट वाले ही हैं, मुझे सब वही बर्गर वर्गर पिज्ज़ा यही सब पसंद आता है, बट अभी मैंने थोड़ा ब्रेक किया है, गर्मी भी है, अभी अगर ब्रेक करूँगी थोड़ा एक्सरसाइज कर लूँगी तो जल्दी मतलब वेट लॉस हो जाएगा, तो देखते हैं। तो आदर्श कभी इस बात को लेकर के आपको जो है टोकता है? हाँ नहीं कर, टोकता नहीं है। तो टोकेगा तो जो है आपके जो आप उसके जैसे हो जाएंगे, तो इसके लिए कह रहे हैं कि वो आपको कभी टोकता है कि नहीं? नहीं देखिए मैं मोटी हूँ ना, मेरे घर पे सब कोई नहीं बोलता कि तुम लॉस कर लो, पतली हो जाओ, मेरी मम्मी बोलती तुम ऐसे ही हो ठीक है, बट थोड़ा कंट्रोल करो, ज़्यादा भी ओवर नहीं ठीक है, क्योंकि हेल्थ प्रॉब्लम इशू होने लगेंगे, अंदर से सब बीमारियाँ घेर लेंगी, तो ये रियल लाइफ में कभी नहीं बोला तुम वेट लॉस कर लो, बल्कि बोलेगा खाओ कोई दिक्कत नहीं जो है ठीक है, तो मैं बट तो कॉमेडी में बोलता है, क्योंकि हम बोलते हैं कि तुम बोलो लोगों को पसंद आएगा, मुटकी इतना खाए के बढ़ जाते हैं, साइकिलिए लेके उलट जाते हैं ये चीज़ें, क्योंकि मैं आपको पहले ही बोला कि हमें वही मेरा चाय आराम से बैठे सोए मोबाइल चलाए बनाई की आई बर्तन माजे भाव खातिन का बैठ मोबाइल चला आज बनवाई तब आज बनवा देखी थे देखिए किस तरह से नाजे अप्रतिस तरीके से जो है कैसे वो कर रहे हैं आपको। हाँ अब आज फंसे ने चले बनवाई देखी बनवा मतलब ये लाइन मार रहे हैं ट्रोल कर रहे हैं देखा ऑनलाइन तो लाइव मारम ना 10 जने देखा था हंसी मजाक होत रहता है अब आज बनवावे कहता है ना बाहें दो दुकान पर जहाँ करे फेवरेट चीज खड़ा कर ले या सेव पूरी खियावत हन या बर्गर खियावत हन या फलाना टिक्का खियावत हन अरे तब तो हमें बनाई ही ना पड़े यहीं खाए भर चले जाए सो जाए सही चीज़। अच्छा जैसे क्या है कि जो आपके फ़ैन लोग हैं वो लोग जो है आपके साथ फोटो लेते हैं सेल्फी लेते हैं, कुछ लोग जो है इस पर जो है मतलब अपना स्टेटस लगाते हुए गलत गलत कमेंट करते हैं, तो उन लोगों के विषय में जो है आप? हाँ कुछ लोग जैसे सब्सक्राइबर हो ठीक है, जैसे आप आए मेरे से मिले फोटो लिए, अपने लिए कोई फोटो नहीं लेता, दूसरों के लिए कि अरे यार यार देखो रोली से मिले रहे हम देख ला, तो कुछ लोग बोलेंगे रोली हमसे ही मिली है इन बोली है इन हमारे बगल ही एक तो है इन गाँव एक है इन जब कहा तब राजू मिलवाई दे तो हंसी कमेंट में इतना सब भौकाल मार देते हैं खुद बेचारो कैसे एक है। वो तो हम लोगों को पता चला कि रोली जी से कैसे मुलाकात हुई, पिछले 4 दिनों से हम लोग जो है इनको ट्रोल कर रहे हैं कि भाई साहब आप आइए जो है चैनल पर, तो आज जो है खाली होकर के हम लोगों से रूबरू हो रही है, तो ये कितना सही है लगभग? देखिए मेरे घर पे काम चल रहा था और आपने कॉल किया, मैं चाहे पत्रकार लोग हैं चाहे सब्सक्राइबर हो जो हम लोग से, मैंने एक नंबर भी पर्सनली उस पर डाल दिया है कि आप लोग मेरे से डायरेक्ट बात कर सकते हैं मेरे चैनल पे, तो मेरे डायरेक्ट जो मेरे सब्सक्राइबर हैं या जो भी मेरे से मिलना चाहता है ना हम लोग उनसे, अब आप ही से देखिए खुद ही आके मिल लिए, अब इतना दूर से आके आप इतना कस, मैं सोचती हूँ अगर मैं उस साइड जा रही हूँ ना तो आपसे मिलते हुए होते हुए चली जाऊँगी, अभी तक ऐसा कभी प्रॉब्लम नहीं हुआ कि मेरा कोई सब्सक्राइबर चाह रहा हो और हम उससे मिले ना हो ऐसा, और ऐसा कोई नहीं है कि बोला हो और हम बोले हो नहीं हम नहीं मिल पाएंगे, ऐसा अभी तक किसी के साथ नहीं हुआ है। तो जैसा कि सारे लोग कहते हैं अवधि में बात किया जाए अवधि में इंट्रो लिया जाए, तो अवधि मुझे बहुत कम आती है, जैसे कहते हैं बहुत कम आवेला हमका अवधि ऐसे ही बोला जाए ना, तो भोजपुरी में आ जाए भोजपुरी मतलब हम लोगों को नहीं आता है ना भाई साहब, हम लोग हमेशा अच्छा चलिए ठीक है जो है आप शुरू करते हैं जैसे अच्छा इस समय जो है आप नहीं अरे नहीं नहीं ऐसी बात नहीं, इस समय जो है अगर आप जो है हमारे चैनल से क्या जो है लोगों को संदेश देना चाहते हैं कुछ, यह कि देखत जा इनका चैनल है भाई अब बोलेगा इंडिया करके चैनल है इनका, इस पे इम्पर वीडियो जाता है इनका, और आप सब सपोर्ट करत जा जौनपुर के जितना न्यूज है भाई ये दिखावत है अपने वीडियोस के द्वारा, हालांकि बहुत कम वीडियो डालत है ने अब धीरे धीरे डली ही अच्छा डली ही, जब आप सब देखेंगे सपोर्ट करेंगे तब तो और डालेंगे ना। जैसे आदर्श भाई जो है अगर आपसे बात किया जाए परिवार वाले कितना सपोर्ट करते हैं कि आप जो है कि मतलब कहीं और किसी लड़की के साथ घूम रहे हैं, तो परिवार वाले कभी इस बात को लेकर टोंट नहीं करते हैं? नहीं जैसे होता है खूब नौटंकी अब ये बताएगी तो बताइए क्या कुछ बहुत प्रॉब्लम होती है सबको यही लगता है कि हम दोनों रिलेशनशिप में है क्या हमारा चल रहा है क्या, देखिए फैमिली है उनको रहता ही है कि भाई हमारा लड़का है हमारी लड़की है, दिक्कत होती ही है कुछ गलत ना करें मैच्योर नहीं है आगे चल के, क्योंकि हम दोनों अदर कास्ट हैं और काफ़ी चीज़ें मैटर करती हैं सबको। कास्ट कास्ट कहाँ तक मैटर करता है आप लोगों की? हम मुझे तो मैटर नहीं करता बट फैमिली को तो मैटर करता है, समाज में रह रहे हैं 4 लोग के साथ बैठ रहे हैं उठ रहे हैं उन्हें सब ट्रोल करेंगे कि तोहा लड़की वा तोहा लड़की या, तो ये चीज़ें, और बाकी
ऐसा कुछ नहीं है ज्यादा, जितना लोग जज कर देते हैं कि ऐसा कुछ है, अब बताए यही अपने मुंह से बोले क्या दिक्कत है, ड्रामा होता है यही बताएगी, अब मैं कुछ और बोलने वाला था अब ये बता रही क्या। अच्छा हमारा एक सवाल है जो है आदर जी आपसे, प्यार बड़ा होता है या दोस्ती, थोड़ा बहुत उस पर चर्चा करिए। देखा अभी तो हमसे कुछ ना ही बके उसे, तो मेरे हिसाब से दोस्ती भी अच्छा होता है दोस्ती। प्यार हमें ना क्या होता है कि प्यार होगा लोग इतना मतलब एक दूसरे में घुल मिल जाते हैं कि ना वैल्यू रह जाती है ना कदर। देखिए अब पहले आपसे स्टार्ट होगा, फिर तुम आएगा, फिर तू से रे रहा हो जाता है, क्योंकि आदमी उतना क्लोज हो जाता है। दोस्ती तक ठीक है, उसमें कोई ड्रामा नहीं, कुछ झिकझिक नहीं, कुछ नहीं, दोस्ती परफेक्ट होता है। अच्छा एक तरफा प्यार के विषय में हम बात करें तो एक तरफा प्यार कभी आपको ऐसा हुआ है किसी लोग? हाँ हुआ है स्कूल लाइफ में, एक तरफा प्यार हम देखते थे, उसी के लिए जाते थे स्कूल में, झांका करते थे, वो नहीं आता था, दिन ही नहीं बीतता था, ऐसा लगता था भाग जाएं घर पे, अब क्रश वाली वही होती थी, छुप से देखना, फिर वो देखे, फिर इधर मुड़ लेना, तो ऐसा ही कुछ होता था, बट वो वहीं तक हो जाता था। बाकी ऐसा कभी मैं नहीं गई बोलने कि हाँ मुझे प्यार है, वो रियल लाइफ मतलब एक क्रश वाली होती है। कहते हैं लड़कियां आगे जो है प्रपोज करने नहीं जाती है, तो लड़कियों को जो लड़कियां हमारे चैनल को देख रही हैं उनको जो है क्या संदेश देना चाहती है कि ऐसा कुछ लड़कियां बहुत तेज होती हैं प्रपोज करने की बात कर रही हैं लड़कियां, आजकल तो लड़कियां ही बहुत तेज हो रही हैं, लड़के बेचारे बोल नहीं पाते, नर्वस होते हैं, बजा देंगी लड़कियां कूद पड़ती हैं। तो मतलब सही है कि लड़कियां जो ज्यादा जैसे हमारे क्रश के उनाई रही, हम जहाँ कहीं ताकत ना गए, देखिए यही लड़का है और हमेशा शांत से रहा है, काफी लड़के हैं, तो कुछ लड़के ऐसे बेवड़े भी होते हैं भाई, अब जाके बोल दें डायरेक्ट या बैड कमेंट करें, ग्रुप बना के लड़कियों को छेड़े। हम तो केहू छुप छुप ना देखे देखे एनएनसी पूछे। अच्छा मतलब छुप छुप के आप देख रही थी तो नहीं, अच्छा जैसे कि कहीं ना भाई ना सुना का। जी 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 अरे कह रहे थे कि अगर जहाँ तक देखा जाए तो प्यार जो है किस एज में हो तो बढ़िया है, एक इसकी होती है क्राइटेरिया, प्यार तभी हो जब माई बाप जो के लिए गठिया दें तब वो इस प्यार का रखो। अच्छा मतलब ऐसा है कि माँ बाप जो जिसको चाहे उसी से जो है शादी करें, अब दो हैं जो सुटेबल पर है, अब हमरे बताए कह माई बाप और माई बाप लिया हुए कि पैसा वाली लिया ही दहेज पाई जाए और लड़की में कोनो गुण रह रहे, तो ऐसा बात नहीं बा। देखा सबका एक जोड़ी होता है, ऊपर से बन के आवत है, खुद जो चाहेंगे वो माँ बाप तो दिलाएंगे नहीं, बहुत कम फैमिली मतलब मानती है कि चलो भाई जो तुम चाह रहे हो वो करें, तो उससे यही बेटर है भाई जब माँ बाप ही चुन रहे हैं वही चुने और हमारे लिए ठीक हो, कॉम्प्रोमाइज़ करें आगे। जैसे कहते हैं कि माँ बाप के जो जो है ज़्यादा ख्याल करती हैं बच्चियाँ, वो अक्सर बेवफा निकल जाती हैं, लोग ऐसे कहते हैं, तो माँ बाप का ख्याल करके उनकी इज्जत की उनके पगड़ी की लाज बचाते हुए जब एक बेटी जो है अपने घर के लिए अपने प्यार का प्यार को कुर्बान करती हैं, तो इसके विषय में जो है ये कितना सही है, इसके विषय में थोड़ा बहुत कहते हैं ऐसा करना चाहिए। ठीक है देखिए जब प्यार किसी को होता है ना तो उस टाइम समझ में नहीं आता कि क्या करना है, उस टाइम घर वाले नहीं दिखते, वही दिखता है प्यार ही दिखता है, क्योंकि वो एज ही वही रहता है, कुछ लोग कम एज में जो प्यार करते हैं वही लोग ये सब करते हैं, बाकी जो मेच्योर 22 23 के बाद प्लस पे 25 पे करते हैं ना वो समझते हैं इस चीज़ को कि प्यार ही सब कुछ नहीं है, प्यार के बाद बहुत कुछ, कुछ लोग भाग जाते हैं बाद में, उनको बहुत दिक्कत होती है, पछताते हैं कि यार नहीं करना चाहिए था ऐसा। हमें ये बताओ अच्छा ये कुल अच्छा आप जैसे शादी अगर करना चाहते नहीं आप अगर ऐसे नहीं आप अगर ऐसे शादी करना चाहते हैं तो आप जो है घर वालों की मर्जी से शादी करेंगे या फिर जो है ना ही देखा हम ना घरे वालों की मर्जी से शादी करें ना अपने मन से शादी करें, जवन हुए देखा जाए, जवन हुए देखा जाए भाग भूग जाए। तू शादी बहुत लपेट आता है। नहीं नहीं हम वही उनसे पूछा जाते रहे नहीं नहीं क्या आप इतना पूछा था यहाँ सवाल हम कर सकते हैं, हम बनाई थे कॉमेडी वीडियो, बाकी जौन पढ़े लिखे वो सब अभी तक तो ठीक रहा, इतना पूछा था अपने बारे में थोड़ा बतावा, ये कैमरे के पीछे की बात है, हम कैमरे के पीछे आप हमसे मिलेंगे तब हमसे बताएंगे, कैमरे के पीछे मतलब कैमरे पे हमारी उछालिए कि कितना क्रश राइन और अपन जी ने बतावा, तो ये सारी चीजें कैमरे देखिए दल सर क्या है कि हम जो है हम आपसे सवाल पूछने के लिए बैठे हैं ना कि जवाब देने, तोरो मेरारू ऐसा ही बा नहीं शादी वादी नहीं हुई, शादी ना हुई बा तब क्रश हो तोरो के गर्लफ्रेंड गर्लफ्रेंड की वाली बात नहीं है, छुप छुप बहुत देखे आने नहीं देखे, मुझे लग रहा है कि इनकी भी कोई क्रश है और ये बोल नहीं पा रहे हैं तो इसीलिए उसी से रिलेटेड पूछ रहे हैं ताकि इनको आइडिया हो जाए और ये बोल पाए, लेकिन सही बताएं ना तो जिसके बारे में आपके अंदर फीलिंग है उसे बोल देना चाहिए, क्योंकि लेट हो जाएगा, हो सकता है कि उसके दिल में किसी और के लिए जगह हो जाए, उससे पहले आप बोल दो, देखिए या तो हाँ बोलेगी या ना बोलेगी, है ना यही होगा ना, इन मुद्दों को छोड़िए जाने दीजिए, इन मुद्दों को लौटा लपेटेंगे तो काफी ज्यादा आगे, सुनिए थोड़ा हो जाए या पहले से हुई रहे आपको पता ही ना चले कि उसका कोई है और वो तो लपेटे रहे कि नहीं नहीं तो है, झिकझिक में रहने से अच्छा एक बार बोल दें जो रहेगा क्लियर हो जाएगा, या तो वही दारू पियेंगे या तो फिर खुश होके जाएंगे। कितना सही है कि जो है कि मतलब अगर कोई किसी का प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं करती है तो उसको उस समय क्या करना चाहिए? कुछ नहीं,
हो सकता है उससे बेटर आपके लाइफ में कोई हो, जरूरी नहीं है कि हाँ कुछ गलत ही करो आप। और जरूरी ना है बगैर प्यार करते हैं पर पहुंच जाए कह रहे हैं, लाइक घूमबाई कह रहे हैं, प्यार तक रहे दे। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं आदर जी के क्या विचार हैं जो है प्यार को लेकर के, और हम लोग इनसे बात कर रहे थे आज, ये लोग हमसे बात करने के लिए जो है हमारे चैनल से जुड़े और हमारे स्टूडियो में मौजूद थे आदर जी और रोली जौनपुरिया जी, हम इनका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। और आप लोग दिख रहे थे इंडिया बोलेगा, मैं सुरेंद्र कैमरामैन रवि के साथ आपको सीधी रिपोर्ट कर रहा था जौनपुर सिटी से, धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन की घंटी जरूर दबाइएगा।